इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अमेज़ोन यूपीआई के अंदर, अमेज़ोन पे यूपीआई के अंदर इस तरीके से एरर दिखा देता है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन फील्ड पॉसिबल फिक्स रिचार्ज योर मोबाइल नंबर विद एसएमएस पैक एंड ट्राई अगेन देन अगेन अगेन, तो इस तरीके से इशू आता है। तो सबसे पहले इसका सल्यूशन क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा सल्यूशन इसका क्या है, तो यहाँ पर क्लियरली मैं आपको बता दूँ कि जब आप अपने अमेज़ोन पे को वेरीफाई करते हैं यूपीआई से, तो यहाँ पर सल्यूशन इसका क्या रहता है सबसे पहले बात जानना। तो देखिए मेनली यहाँ पर रिचार्ज जब आप कराते हैं तो बहुत लोगों को समझ में इस टाइम आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया वाइडिया ये जो है पैक से रिलेटेड इशू होता है। जैसे अब मान लीजिए आपके पास रिचार्ज है टॉक टाइम का, ठीक है, तो उससे एसएमएस का रिचार्ज नहीं होने का, ना ही एसएमएस जाने का, ना ही एसएमएस आने का। आपको यहाँ पर रिचार्ज एक करवाना पड़ेगा जिसमें आपको एसएमएस पैक मिल सके, और वो सबसे अच्छा रिचार्ज चल रहा है 129 रुपये का। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अभी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिलहाल आने वाले टाइम में बदल सकता है, ठीक है, 1-2 महीने में या 10-15 दिन में भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर समझ लीजिए आप कि मैन बैलेंस से यहाँ पर एसएमएस नहीं जा सकता है, ठीक है, चाहे आपके पास कितना भी हो, आपको अलग से एसएमएस पैक निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एसएमएस जो सिम कंपनी ने उन्होंने निकाल दिया है, सब कुछ टारगेट बना दिया है कि बंदे को यहाँ पर एसएमएस के लिए एक अलग से पैक डलवाना पड़ेगा, मैन बैलेंस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, और 129 रुपये से ऊपर का ही कराना पड़ेगा, नीचे का नहीं कराना पड़ेगा, वरना आपको इसी तरीके से इशू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है, बस एसएम रिचार्ज का ही इशू दिखा रहा है यहाँ पर। तो अगर शायद जियो में नहीं चल रहा, लेकिन जियो में भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बाकियों में आपको यहाँ पर जो वोडाफोन वगैरह इन्हों में ये पैक कंपलसरी बना दिया गया है, और यहाँ पर आपको रिचार्ज करना अनिवार्य है। तो जब आप रिचार्ज करा लेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।